हेलो दोस्तों, ये है यूपीआई प्लस कॉइन बेस वाटर एटीएम सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, आपको यूपीआई प्लस कॉइन एक्सेप्टर के साथ अगर आप कंट्रोलर बोर्ड लेते हैं तो उसके साथ आप ये चीज़ें आपको मिल जाएगी, कंट्रोलर बोर्ड। और ये ऑप्शनल चीज़ें हैं, आपको लेना है तो आप ले सकते हैं या खुद का सोलनॉइड वॉल्व फ्लो सेंसर भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको बेसिक सेटअप, जैसे वाटर एटीएम के साथ आपको कैसे कनेक्शन करवाने हैं। आपको इसके साथ एक मिलेगा पावर कॉर्ड मेन सप्लाई, जो आपको सिस्टम के लिए देने के लिए लगने वाला है। ये अपना 230 वोल्ट सोलनॉइड वॉल्व है, 3x4 का मतलब पाउन इंच का सोलनॉइड वॉल्व है। और ये है फ्लो सेंसर, ठीक है, जो कि मैं वाटर मेजरमेंट के लिए हम यूज करने वाले हैं। और यहाँ पर है ये कॉइन एक्सेप्टर मॉड्यूल, जो कि 6 टाइप के कॉइन जो है एक्सेप्ट करने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा बेसिक कनेक्शन सेटअप, कैसे कनेक्शन करना है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो हार्डवेयर सेटअप में आपको यहाँ पर पोर्ट्स दिए गए हैं और यहाँ से आपको जो है कनेक्शन जो है आपको करना है। यहाँ पर इनपुट सप्लाई है, आउटपुट जो है सोलनॉइड वॉल्व या मोटर का कनेक्शन आप यहाँ से दे सकते हो। आउटपुट से इनपुट 230 वोल्ट के लिए हमने ये केबल दिया है। और आपको यहाँ पर जो है कॉइन एक्सेप्टर मॉड्यूल जो है आप यहां पर कनेक्ट कर सकते हो। और जो पल्स सेंसर है, यानी कि जो आपका फ्लो सेंसर है, वो फ्लो सेंसर आप यहां पर कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे कनेक्शंस यहां पर दिए गए हैं। जैसे मैं सबसे पहला अभी कनेक्शन करूंगा, ये 230 वोल्ट का केबल है, ठीक है, जो मेन सप्लाई में जाएगा। तो ये वाला जो कनेक्टर है आपको ये साथ में मिलेगा किट के साथ, आपको सिर्फ यहां पर प्रेस फिट करना है। ठीक है, यहाँ होगा ये इनपुट का जो कनेक्शन है। अभी आउटपुट में हम लगाने वाले, जैसे आपको मोटर नहीं लगाना है, नेचुरल प्रेशर आपके पास अवेलेबल है सिर्फ सोलनॉइड वॉल्व के साथ। तो ये जो सोलनॉइड वॉल्व है ये आपको कनेक्ट करना है आउटपुट स्टेज पर। जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा तो सोलनॉइड वॉल्व आपका ऑन होने वाला है। तो ये दो कनेक्शन हो गया। अभी इसके बाद में हमें जो यहाँ से इसके साथ आपको मिलने वाला है फ्लो सेंसर। फ्लो सेंसर के साथ आपको ये केबल मिलेगा, जिससे आप ये जो है ये फ्लो सेंसर के साथ ये केबल आप अटैच कर सकते हो। प्रेस स्नैप फिट कनेक्टर है। और यहाँ ये जो टर्मिनल है आपको ये कनेक्ट करना है पल्स सेंसर। पल्स सेंसर पर जो है आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है फ्लो सेंसर कनेक्ट करना है, जो कि पल्स आउटपुट फॉर्म में आपको मिलता है। तो ये फ्लो सेंसर यहाँ कनेक्ट हुआ। अभी सबसे आखिरी वाला अपना पार्ट है कॉइन एक्सेप्टर मॉड्यूल। तो कॉइन एक्सेप्टर भी आप इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर आपको कॉइन एक्सेप्टर नहीं लगाना है तो बिना कॉइन एक्सेप्टर के साथ भी आप चला सकते हो। जैसे आपको कॉइन एक्सेप्टर के साथ यहाँ पर जो है आपको केबल ऐसे रहेगा, ऑलरेडी आएगा इसके साथ, और ये केबल आपको सिंपली अटैच करना है यहाँ पर कॉइन का जो लिखा है, कॉइन के जगह पर आपको यहाँ पर प्रेस फिट करना है। तो ये होगा आपका कनेक्शन सेटअप, इनपुट आउटपुट कॉइन एक्सेप्टर और फ्लो सेंसर। तो ये बेसिक कनेक्शन आपको करना है। इसके बाद में अपना स्टार्ट होने वाला है कि हम सबसे पहले इसको एक बार पावर अप करके चेक करेंगे कि डिस्प्ले आपका ऑन हो रहा है क्या। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, जैसे कि हार्डवेयर सेटअप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हमने कनेक्शन किया है कॉइन एक्सेप्टर का, फ्लो सेंसर का, सोलनॉइड वॉल्व का और इनपुट सप्लाई का। ये चार कनेक्शन होने के बाद हम सिंपली यहाँ पर सप्लाई देंगे। तो सप्लाई देने के बाद यहाँ पर जो है डिस्प्ले ऑन हो गया है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा सर्चिंग फॉर इंटरनेट प्लीज़ वेट। ठीक है, तो ये सबसे पहले ट्राई करेगा कि आपका अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है ये मॉड्यूल, तो ये QR कोड डिस्प्ले करेगा। अगर ये कोई भी वाईफाई से अगर कनेक्ट नहीं होता है तो उस केस में यहाँ पर लिखेगा नो वाईफाई कनेक्शन, नो वाईफाई नॉट कनेक्टेड ऐसे लिख के आएगा। तो जब भी ऐसे वाईफाई नॉट लिख के नॉट कनेक्टेड ऐसे लिख के आएगा, तब अपने को सिंपली सॉफ्टवेयर सेटअप करना है। जैसे हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्ले स्टोर पर जाएंगे। प्ले स्टोर पर से हम दो सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड करेंगे जो लगेंगे अपने को। एक है सीपे वाईफाई कनेक्ट, ये सर्च करना है। ये सर्च करने के बाद आपको यहाँ देखिएगा सीपे वाईफाई कनेक्ट, इस सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, अभी ये इंस्टॉल हो गया। इसके बाद और एक सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया कम्प्लीटली। ठीक है, अभी हम और एक सॉफ्टवेयर यहाँ से इंस्टॉल करेंगे, वो है सीपे वाटर एटीएम। आपको सर्च करना है सीपे वाटर एटीएम। ठीक है, तो आपको ये एक सॉफ्टवेयर दिखेगा सीपे वाटर एटीएम। तो यहाँ ये सॉफ्टवेयर में आपको सारे एनालिटिक्स दिखेंगे, आपका रिवेन्यू जनरेशन, मशीन कितना किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखने वाली है।
ठीक है, तो ये दोनों जो है सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है, एंड्रॉइड ऐप हमने इंस्टॉल किया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस वाईफाई मॉड्यूल को किस वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करना है वो हमें पता रहना चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पर ऑफिस में हमारा जो वाईफाई है, यहाँ से आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो ऑफिस में जो वाईफाई है उस वाईफाई से मैं ये मॉड्यूल जो है वाटर एटीएम का सिस्टम कनेक्ट करूँगा। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ऑफिस डैश वाईफाई, ये ऑफिस का वाईफाई है, तो मुझे इसका नाम भी पता है और उसका पासवर्ड क्या है वो भी पता है। तो सिंपली वो जो नाम और पासवर्ड जो है मशीन के लिए आपको वो एंटर करना है। तो वो एंटर कैसे करेंगे, तो हमने जो दो सॉफ्टवेयर अभी इंस्टॉल किया है वो सॉफ्टवेयर आपको सिंपली ओपन करना है। सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, सी पे वाईफाई कनेक्ट का सॉफ्टवेयर हम ओपन करेंगे। तो जैसे सी पे वाईफाई कनेक्ट का, तो वो ब्लूटूथ का परमिशन पूछेगा, अलाउ करना है आपको। जैसे आप अलाउ करेंगे तो सबसे पहले आप जाएंगे सेटिंग में, यहाँ पर जाएगा फ़ोन के सेटिंग में जाएंगे, ब्लूटूथ में जाएंगे, और ब्लूटूथ में जाने के बाद आपको यहाँ करना है अवेलेबल डिवाइस में आपको दिखाएगा यहाँ सी पे, और उसका जो डिवाइस आईडी है जो मैंने आपको डिवाइस पर बताया था, यहाँ पर डिवाइस आईडी है आपका, तो ये डिवाइस आईडी आपको यहाँ पर भी दिखेगा। तो आपको इसको सबसे पहले इसको कनेक्ट कर लेना है, पेयरिंग करना है, ठीक है। तो जैसे ही ये पेयर हो जाएगा तो उसको पेयर पर क्लिक कर देना है, तो ये पेयर लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दो डिवाइस आपको पेयर लिस्ट में दिख रहे हैं, एक बोल्ट ऑडियो और एक सी पे वाला। तो आपका ये पेयरिंग हो गया। तो हम जैसे वो सॉफ्टवेयर हमने ओपन किया था, यहाँ पर जाना है ब्लूटूथ सेटिंग में, यहाँ पर ब्लूटूथ सेटिंग के बाद डिवाइस लिस्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो अपना ऐप है उसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आप क्लिक करेंगे कनेक्ट पर। तो जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है अपना पास ऑफिस का जो है वाईफाई नेम है ऑफिस डैश वाईफाई, ऑफिस डैश वाईफाई, ठीक है। तो ये स्मॉल कैपिटल जो भी है एग्जैक्टली डालना है आपको, जो भी है भाई पासवर्ड है इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये है उसका पासवर्ड। तो इसको बोलना है सेंड टू डिवाइस, ठीक है। तो डेटा सेंड टू डिवाइस सक्सेसफुल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है न्यू वाईफाई नेम और आपको पासवर्ड, ठीक है, वाईफाई क्रेडेंशियल अपडेटेड, ऐसे आपको दिख रहा है। तो अभी आप देखोगे थोड़े टाइम के बाद जो है यहाँ पर जो ऑफिस का जो ये है आपका वाईफाई, तो उससे ये कनेक्ट हो जाएगा डिवाइस, ठीक है। तो आप जैसे देखोगे, जैसे वाईफाई से कनेक्ट हो गया, तो वाईफाई से कनेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है क्यूआर दिखेगा आपको, और यहाँ पर वाईफाई और उसका नेम और उसका क्वालिटी जो है यहाँ पर दिखेगा आपका। तो ये मस्ट भी जो है 40-50 से अबव रहना चाहिए, मतलब वाईफाई का जो क्वालिटी है वो आपका रेंज आपको अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर वाईफाई का रेंज भी दिखेगा और ये दिखेगा। तो अब ये हो गया अपना, ये डिवाइस जो है वाईफाई से कनेक्ट हो गया है। अभी हम सेकेंड वाला अपना जो सॉफ्टवेयर से हम सेटअप करेंगे, तो वाईफाई तो कनेक्ट हो गया, इसका इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल गया। हम अभी सेकंड ऐप जो यूज करने वाले हैं कि वाटर एटीएम का जो है, उसमें सबसे पहले आपको साइन इन कर लेना है, ठीक है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप साइन इन करोगे, तो जो भी आपके आपका अकाउंट है आप उससे साइन इन कर लेना है आपको। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर हमने नेम डाल दिया है, जो भी आपको डालना है, एड्रेस में हमने औरंगाबाद डाल दिया है, और जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भी है, इसे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी कंटिन्यू करने के बाद आपको ऐसे पूरा ब्लैंक डैशबोर्ड दिखने वाला है, क्योंकि आपने कोई भी डिवाइस इसके साथ अभी ऐड नहीं किया है। तो सबसे पहले स्टेप में आपको जाना है माय डिवाइस में। माय डिवाइस में जाने के बाद यहाँ पर आपको प्लस का साइन दिखेगा, प्लस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर डालना है डिवाइस आईडी। तो अभी डिवाइस आईडी आपको कहाँ से मिलेगा, जो आपको डिवाइस पर यहाँ पर लिखा है वो आप डिवाइस आईडी यहाँ पर एंटर करोगे। जैसे यहाँ पर है DGAUDN, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये डिवाइस आईडी यहाँ पर डाल दिया है, नेम ऑफ द डिवाइस हम कोई भी डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डालूँगा test1, ठीक है, या फिर यहाँ डालूँगा ऑफिस में हम फॉर एग्जांपल आर ओ सिस्टम वाटर एटीएम सिस्टम लगा रहे हैं, ठीक है। तो ऑफिस डाल दिया। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट पार्ट आता है कि आपको यहाँ पर भी सेट करना है कि अमाउंट, और यहाँ पर करना है कि कितना टाइम तक आपका चलने चाहिए या कितना फ्लो तक चलना है। जैसे अभी मैं चाह रहा हूँ कि एक रुपये में हमारा जो चलना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 10 सेकेंड, अगर एक रुपये जो कोई भी पेमेंट करेगा तो 10 सेकेंड तक आपको अगर चलना चाहिए, यहाँ पर टाइम बेस आपको लेना है। तो आपको ये 10,000 यहाँ पर अगर लिखेंगे तो आपको 10 सेकेंड चलेगा, ठीक है। आप
जो है इसके अगर अगर 20,000 आप सेट करोगे, मिली सेकेंड में वैल्यूज है, अगर आप 20,000 सेट करोगे तो यहाँ पर चलेगा 20 सेकेंड एक रुपए में। तो आप अगर आपको लग रहा है ये टाइम बेस नहीं रखना, आपको फ्लो सेंसर हमने यहाँ पर अटैच किया है, तो फ्लो सेंसर पर आपको अगर ये रन करना है तो यहाँ पर आपको सेट करना है फ्लो बेस। तो फ्लो बेस में आपको यहाँ पर डालना है, जैसे एक लीटर के लिए अप्रोक्सीमेट 185 पल्सेस हमें मिलते हैं, तो वन रुपीज कोई भी पेमेंट करेगा तो 185 पल्सेस जब तक आएंगे सेंसर से तब तक चलेगा, मतलब 1 लीटर तक चलेगा। अगर आपको और एक प्रोडक्ट ऐड करना है, जैसे फाइव रुपीज में आपको जैसे 10 लीटर ऐड करना है, तो आपको जो है 185 × 10 मतलब आपको 10 लीटर 1850 पल्सेस में आपको 10 लीटर मिलने वाला है, तो 5 रुपीज़ में वो 10 लीटर चलेगा। तो आप जो है यहाँ से ऐसे प्रोडक्ट हम जितना चाहिए उतना वहाँ यहाँ से ऐड कर सकते हो, यहाँ पर प्लस पर हम साइन करके ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है ज़्यादा प्रोफाइल हमें नहीं चाहिए, 2 या 1 रुपये और 5 रुपये के लिए यूज़ करना है, तो ये यूज़ करके इसको करना है सेव कर। जैसे अपडेट करने के बाद यहाँ पर जो है हमारा सॉफ्टवेयर का सेटअप हो गया है। जैसे यहाँ से हम रिफ़्रेश करेंगे, जो जैसे देखो कि यहाँ पर जो है 1 रुपीज़ का ट्रायल टेस्ट का हमने किया था, तो उसका यहाँ पर हमें ग्राफ दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है यहाँ का पर सेटअप पूरा अपना ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पर हमें बाकी के यहाँ पर फीचर दिखाऊंगा क्या चीज़ें हैं। हम माई डिवाइस में जाएंगे तो यहाँ डिवाइस रिलेटेड, जैसे आपका एक मशीन लिया आपने, आप अगर 2, 3, 4 मशीन लेते हो तो एक मशीन हमने रजिस्टर किया, सेकेंड मशीन और हम रजिस्टर कर सकते हैं सेम काइंड 2, 3, 4, 5। अब मान लो आपके 10 मशीन है तो 10 के 10 मशीन का मैनेजमेंट आप एक ही ऐप से कर सकते हो। तो ये होगा यहाँ से सेटलमेंट हिस्ट्री में आपको वो चीज़ दिखेगी जो भी आपका UPI के थ्रू जितना भी आपका पेमेंट आएगा तो आपके अकाउंट में जो सेटल होगा यहाँ पर वो उसकी हिस्ट्री दिखने वाली है। फिलहाल अभी ये नया डिवाइस है तो यहाँ पर सेटलमेंट हिस्ट्री कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर रिपोर्ट सेक्शन है, रिपोर्ट सेक्शन में आपको मशीन नंबर सेलेक्ट करना है। जैसे आप मेरा ये मशीन है तो जैसे 2-3 मशीन आपके रहेंगे, जो चाहिए वो मशीन सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है स्टार्ट डेट और एंड डेट आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक का मुझे रिपोर्ट चाहिए तो मैं गेट रिपोर्ट पर क्लिक करूंगा तो मुझे सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगे। तो जैसे कि अभी एक ही ट्रांजैक्शन हो चुका है तो एक ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट यहां पर मिला है, सक्सेस पेमेंट 1 रुपीज़, रिफंड पेमेंट टोटल पेमेंट 1 रुपीज़। तो रिफंड 0 है क्योंकि जो भी हमने प्रोफाइल सेट किया है उसके अलावा कोई अलग कोई पेमेंट करता है तो वो रिफंड पेमेंट में आ जाएगा, कोई रॉन्ग अमाउंट एंटर करके अगर पेमेंट करता है तो वो रिफंड पेमेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट दिखने वाला है और सबसे आखिरी वाला यहाँ पर है पेमेंट हिस्ट्री। पेमेंट हिस्ट्री में आपको यहाँ पर दिखेगा जो भी आज की हिस्ट्री और यस्टरडे की जो हिस्ट्री है, ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखने वाली है। जैसे टुडेज ट्रांजैक्शन में आपको दिख रहा है कि ये मोबाइल नंबर से आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, तो आपका जो रिसेंट ट्रांजेक्शन्स है आप यहाँ पर रिसेंट ट्रांजेक्शन जो है पेमेंट हिस्ट्री में से चेक करोगे। तो पेमेंट हिस्ट्री में आपको दिखेगा जो कस्टमर ने आपके UPI मशीन पर पेमेंट किया है, सेटल हिस्ट्री में वो दिखेगा आपको जो आपके अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर हो गया है, वो सेटलमेंट हिस्ट्री में दिखेगा आपको। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखेगी और यहाँ पर जो है मंडे से लेकर संडे तक जो आपको सारा ग्राफ यहाँ पर दिखने वाला है, ठीक है। तो यहाँ बाद अभी मैं सबसे पहले आपको करूँगा नोटिफिकेशन, यहाँ पर आपको जाना है यूज़र डिटेल्स में, हम यूज़र डिटेल फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। यूज़र डिटेल फिलअप करने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स में, तो ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है सबसे, जहाँ पर फुल स्क्रीन नोटिफिकेशन हमें हमेशा ऑन करके रखना है जिससे आपको नोटिफिकेशन आते रहेगी। जैसे मैं ऑन करूँगा तो डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स का एक ओपन हो जाएगा आपका पॉपअप विंडो, तो इसमें सीपे वाटर ATM को क्लिक करके इसको अलाउ डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स ऐसे करना है, ठीक है। अलाउ डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स मतलब कोई भी आपका ऐप चल रहेगा फिर भी इसका नोटिफिकेशन आपको दिखने वाला है। तो हम ये फुल स्क्रीन नोटिफिकेशन ऑन किया है। अब मैं क्या करूँगा, ये डिस्प्ले जो है अभी यहाँ, ये आपका ओनर का मोबाइल है, ये जो मोबाइल है ये ओनर यूज़ कर रहा है, और जैसे कि मेरा कस्टमर है, जैसे मैं ये मेरा मोबाइल है, जैसे कस्टमर हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे कस्टमर में आपका है कस्टमर, जैसे मेरे पास फ़ोन पे है यहाँ पर, तो मैं फ़ोन पे जो है फ़ोन पे यहाँ पर ओपन करूँगा। जैसे मैं आपको एक पेमेंट करके दिखाऊँगा, ये फ़ोन पे आपको ओपन करके दिखाऊँगा। फ़ोन पे से हम यहाँ स्कैन करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर फ़ोन पे से मैंने किया, जैसे मुझे अभी 1 रुपये और 5 रुपये का मैंने जैसे प्रोफाइल सेट किया है, तो जैसे ये कस्टमर का मोबाइल है, तो कस्टमर के मोबाइल से हम ये स्कैन किया है, स्कैन करने के बाद हम यहाँ एंटर करेंगे 1 रुपीज़, ठीक है। 1 रुपीज़ एंटर करने के बाद मैं प्रोसीड टू पे करूँगा और जैसे मैं यहाँ पर पेमेंट करूँगा, ठीक है, 1 रुपीज़ का मैं पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पर पेमेंट हो रहा है, ठीक है। जैसे ही पेमेंट हुआ तो देखो
आपको दिख रहा है जैसे यहाँ पर पेमेंट हो गया, पेमेंट होने के बाद आपको दिख रहा है जो ओनर का ऐप रहेगा, ओनर के ऐप पर यहाँ पर ऐसे नोटिफिकेशन आएगा। अभी ये जो है एसवी ऑन हो चुका है, तो एसवी ऑन हुआ है, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है ₹1 रिसीव्ड और आपका यूटीआर नंबर भी यहाँ पर दिख रहा है, मतलब जो भी आपका पेमेंट रिसीव हुआ है। तो अभी यहाँ पर हमने फ्लो बेस पर सेट किया है, तो जब तक इस सेंसर से 1 लीटर वाटर जो है वो जाएगा नहीं, तब तक ये एसवी ऑन रहने वाला है। तो जैसे अभी हमारे पास यहाँ पर पानी तो नहीं है, लेकिन मैं इसके अंदर फूक मारूंगा और वो जो है सेंसर अपना रोटेट होगा और 1 लीटर जब भी होगा तो उसके बाद में आपका जो है वो एसवी बंद होने वाला है। ठीक है, अभी मैंने इसमें ये कर दिया है, फूक मार दिया है, तो सेंसर ऑन ये होने के बाद, रोटेट होने के बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया और एसवी ऑफ हो गया है। तो ये जो है इस वे से आपका काम करेगा। जैसे आप यहाँ पर, मैं नोटिफिकेशन में जाऊँगा, जैसे ओनर को तो फुल स्क्रीन नोटिफिकेशन आ गया है, तो जैसे फुल स्क्रीन नोटिफिकेशन के बाद अगर मैं ऐप जब भी ओनर ओपन करेगा, ओपन करने के बाद जैसे देख रहे हो कि अभी आज का जो है, आज फ्राइडे है, आप यहाँ से देख पाओगे कि फ्राइडे 3 मार्च है आज, तो फ्राइडे 3 मार्च में आपको दिख रहा है फ्राइडे के दिन आपका ₹1 का पेमेंट कलेक्ट हो गया है। ठीक है, आप पेमेंट हिस्ट्री में भी आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि किस नंबर से पेमेंट आया है आपको, उसका यूटीआर नंबर और टाइम और डेट जो है आपको एग्जैक्टली सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़र की मिलेगी। तो किसने पेमेंट किया है, कितना पेमेंट किया है, यूटीआर नंबर, टाइम डेट, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखेगी और ये आपका ग्राफ बढ़ता जाएगा, जितना भी आप पेमेंट करोगे उतना ये बढ़ने वाला है। अभी ये एक हो गया, मैंने एक पेमेंट करके दिखाया। अब हम और एक पेमेंट करेंगे, जैसे कि इनवैलिड वाला पेमेंट करेंगे हम। जैसे कि मान लो कि मैंने और एक यूज़र को ही पेमेंट करता है, जैसे मैं ₹1 और ₹5 का ही प्रोफाइल सेट किया है। अभी ₹5 और ₹1 मैं नहीं डाल रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ ₹2 फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मैं ₹2 का अगर पेमेंट करता हूँ तो उस केस में आपका जो है सिस्टम क्या रिस्पॉन्ड करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ₹2 का पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे ₹2 का पेमेंट, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है ₹2 रिसीव्ड इनवैलिड अमाउंट, यहाँ पर आपको दिख रहा है और यहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है कि ₹2 रिसीव हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप अगर देख पाओगे तो यहाँ पर लिख के आ रहा है इनवैलिड अमाउंट। तो इनवैलिड अमाउंट क्यों है, तो उस केस में जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन में भी आपको दिख रहा है सीपे वाटर एटीएम ₹2 रिसीव्ड। अगर आप क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पर दिख रहा है फर्स्ट वाली अमाउंट सक्सेस में आई है आपकी, क्योंकि वो वैलिड अमाउंट थी, और ₹2 ये इनवैलिड अमाउंट है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इनवैलिड में रिफंड स्टेटस में आ रहा है आपका ₹2। तो यहाँ पर भी सक्सेस पेमेंट ₹1, रिफंड पेमेंट ₹2, तो टोटल ₹3 आपको रिसीव हुआ है, ₹1 सक्सेस और ₹2 रिफंड। तो इस तरह से आपको सारे डिटेल यहाँ पर मिलने वाले हैं, ऐप के अंदर आपका सारा मैनेजमेंट होने वाला है, हर एक चीज़ आपको ऐप के अंदर मिलने वाली है, जैसे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। जैसे ऐप मोबाइल का जो है सारे सेटिंग्स, एटीएम का सारा सेटिंग आप यहाँ कर पाओगे। जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि आप टोटल कलेक्शन ₹3 का हुआ है, उसमें से जो है पेमेंट हिस्ट्री में जाएंगे तो सक्सेस पेमेंट ₹1, रिफंड पेमेंट ₹2। तो इस तरह से आपको ये जो ग्राफ है यहाँ पर मिलने वाला है। तो सारा इस फोन से आप जो है ओनर जो है वो सारा सेटिंग कर सकता है और सारा जितना भी उसका रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है वो यहाँ से मॉनिटर भी कर सकता है, लाइव मॉनिटर भी कर सकता है। तो इस तरह से आपको जो है उससे आप इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अभी ये हो गया अपना यूपीआई का सारा सेटिंग। अब सबसे आखिरी में हमारा जो बचता है वो रहता है कि कॉइन वाला हमारा कैसा ऑपरेट होने वाला है। तो जैसे आप ऑलरेडी इस कॉइन एक्सेप्टर को हमने ₹1 के लिए जो है वो कैलिब्रेशन करके रखा है। जैसे मेरे पास कुछ ₹1 के यहाँ पर कॉइन है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर जो है ₹1 का मैं कॉइन ले रहा हूँ। अभी जैसे जो प्रोफाइल आपने इस ऐप में जो सेलेक्ट किया है कि ₹1 में कितना चलना चाहिए, तो वो सेम टू सेम जो है उतना ही जो है आपको यहाँ पर ₹1 कॉइन एक्सेप्टर से आओ या ₹1 QR से आओ, दोनों साइड से भी सेम अमाउंट आपका डिस्पेंस होने वाला है। जैसे मैं यहाँ कॉइन यहाँ पर डालता हूँ तो आपको जो है यहाँ पर दिखेगा, जैसे ₹1 रिसीव्ड आपको मैसेज आया था वहाँ पर, और ये SV ऑन हो गया है। अभी SV तब तक ऑफ नहीं होगा जब तक यहाँ पर फ्लो सेंसर से उतना पानी नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे आपका कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर बजर ऑन हुआ और आपका SV जो है वो ऑफ हो गया है। तो इस तरह से आप जो है कॉइन एक्सेप्टर से भी इसे यूज कर सकते हो, इवन इफ आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। जैसे कि मैं अभी वाईफाई बंद करता हूँ, आपका इवन इफ यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहेगा तो उस केस में भी जो है आपका जो है कॉइन एक्सेप्टर चलने वाला है। जैसे मैं अभी वाईफाई का जो है राउटर अभी बंद कर दूंगा, ऑफिस वाईफाई का।
ठीक है, तो जैसे देखा कि वाईफाई हमने बंद किया तो यहाँ पर वाईफाई नॉट कनेक्टेड लिख के आ रहा है, ठीक है। अभी तो वाईफाई कनेक्शन नहीं है अवेलेबल, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, फिर भी आपका जो है कॉइन एक्सेप्टर जो, ऐसे मैं अभी ये अलग वाला कॉइन है 1 रुपीज का, ये इंसर्ट करूंगा, तो ये इंसर्ट करने के बाद फिर ऑपरेट कर रहा है। मतलब जब भी आपका सिस्टम ऑफलाइन रहेगा तब कॉइन से ऑपरेट होगा, और जब भी सिस्टम आपका ऑनलाइन रहेगा तब यूपीआई से भी कॉइन एक्सेप्टर से चलेगा। तो पैरेलली आप दोनों भी सिस्टम आप चला सकते हो, और इस तरह से आप जो है सिस्टम इसका ये वाटर एटीएम जो है यूज़ कर सकते हो। तो आपको और डिटेल अपडेट्स के लिए, जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। काफ़ी सारे नए मॉडल्स इसके अंदर आने वाले हैं, और जैसे ही न्यू अपडेट्स आएंगे एप्लीकेशन में वो भी आपको प्ले स्टोर से मिलने वाले हैं। तो सारा और इसके डिटेल जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, या आपका कोई बल्क ऑर्डर है तो कस्टमाइजेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं। जैसे आपका बल्क में ऑर्डर रहेगा तो उस केस में हम कस्टमाइज भी आपको करके दे देंगे। थैंक यू।